बिग बॉस के घर के अंदर जो भी एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं, वो सब कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी के लिए तो आते ही हैं, लेकिन भाई हम सब जानते हैं अल्टीमेटली पैसा ही बोलता है और पैसा ही सब कुछ है, तो पैसे के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन इस वक्त घर के अंदर एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जिन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, जिनके पास पैसा तो बरस रहा है वाकई। कौन है वो एक्ट्रेस, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बिग बॉस 16 में बहुत सारी इस बार कंटेस्टेंट्स जो है वो आई हैं, बहुत सारी कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई है, लेकिन एक कंटेस्टेंट ऐसी हैं जिनको लेकर ये खबर मैदान में बाहर जो है सब जगह फैल चुकी है कि भाई इस एक्ट्रेस के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने बिग बॉस क्यों किया कि ठीक है चलो करके देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन टीना दत्ता की। जी हाँ, टीना दत्ता इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट नोन फेसेस में से एक हैं। उत्तरन से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी, परिणीता में वो नज़र आ चुकी हैं हमें, और कई सारी फिल्में उन्होंने और भी की हैं, कई सारे टेलीविजन शोज वो कर चुकी हैं। इंडस्ट्री का जाना माना अच्छा खासा स्टैब्लिश्ड फेस है टीना दत्ता। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि टीना का नाम हर साल बिग बॉस के लिए आता था। जी हाँ, और ये मजाक की बात नहीं है, जेन्युइन बात है। बिग बॉस में हर साल बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे नाम चले जाएंगे, कभी ये कभी वो, लेकिन टीना का नाम हर साल ऐसा होता था जो आता ही आता था। टीना को हर साल बिग बॉस ऑफर हुआ है, लेकिन टीना ने हर साल रिजेक्ट किया, इस साल एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट कर तो लिया है, घर के अंदर आ गई हैं और घर के अंदर काफी उन्हें कुछ फैंस जो है प्यार दे रहे हैं, कुछ फैंस उन्हें पसंद नहीं कर रहे, नेगेटिव कह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले टीना ने एक इंटरव्यू किया था। जी हाँ, उस दौरान उनसे पूछा गया कि एक लंबे अरसे तक आपने टेलीविजन से दूरी बनाकर रखी थी, आपने कोई सीरियल नहीं किया, आखिर क्या रीजन था? उस पर टीना कहती हैं, आई एम नॉट जस्ट वर्किंग ऑन टेलीविजन, मैं सिर्फ टीवी पर काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर में काम नहीं कर रही या मैं लाइफ में काम नहीं कर रही, टेलीविजन पे, सीरियल पे एक्टिंग करने के अलावा भी मेरे, थैंकफुली मेरा बैंक बैलेंस काफी स्ट्रांग रहा है, इतना पैसा है मेरे पास थैंकफुली कि मैं खुद का भी गुजारा कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स का भी गुजारा कर सकती हूँ। वो कहती हैं, व्हेन यू हैव इनफ बैंक बैलेंस फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, यू हैव द प्रिविलेज टू बी पिकी। यानी कि क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो मैं पिकी हो सकती हूँ कि मुझे ये करना है, वो नहीं करना है। मेरे अब्रॉड में कई बिजनेस है, उसके आगे वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं मेरे ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं सोशल मीडिया पर, इतने ज़्यादा मैं यू नो पेड प्रमोशंस करती हूँ, तो उन चीज़ों से अच्छा खासा मेरा पैसा जो है वो निकल जाता है, अच्छा खासा पैसा बन जाता है। उसी के साथ साथ वो कहती हैं, एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ मनी दैट आई हैव ऑलवेज बीन पिकी अदरवाइज ऑल्सो, एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक अप वर्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद क्वालिटी वर्क एंड बी हैप्पी इन माई लाइफ। यानी कि मैं अपनी लाइफ में एसोसिएशन ऐसी चीज़ों पर रखना चाहती हूँ, ऐसी चीज़ों के साथ कोलैबोरेशन रखना चाहती हूँ जिसमें क्वालिटी हो ना कि क्वांटिटी। सो टीना दत्ता जो है उनके पास भाई पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की भरमार है, ये बात उन्होंने खुद कह दी है। अब आप बताइए क्या कहेंगे आप इस बात पर।